Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंस. जो आज का टॉपिक है हमारा वो है अकाउंटिंग फॉर revaluation ऑफ एसेट एंड liabilities व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ existing पार्टनर्स. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं तो हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस या लॉसेस, रिजर्व्स, इन सब का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं. आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, चेंज होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी सी थ्री पार्टनर्स हैं वो शेयर करते थे प्रॉफिट. मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी थ्री पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट शेयर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:3. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने डिसाइड किया कि ऑन 1 अप्रैल 2021 से ये जो भी प्रॉफिट या लॉसेज आएंगे उनको जो शेयर करेंगे, ये जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हो जाएगा ए बी सी का 1:1:1. ठीक है, जब ऐसी केसेस होती हैं जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, पार्टनर्स उतने ही हैं, वही सेम है पुराने, पर उन्होंने अपना क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया. ऐसे केस में हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं. मतलब हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हमारी बैलेंस शीट में है उनका हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उनको रिवैल्यू करते हैं. क्यों करते हैं, इसका रीजन समझने की कोशिश कीजिए. द रीजन इज दैट द रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी आपके रियलाइजेबल वैल्यू है या फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज शोन इन द बैलेंस शीट. हो सकता है जो बैलेंस शीट में आपकी एसेट एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो हो रही है अब उनके वैल्यूज में क्या आ गया हो, चेंजेस आ गए हों, जो एक्चुअल वैल्यू हो वो डिफरेंट हो और जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू शो कर रहे हो आप वो डिफरेंट हो. ऐसा हो सकता है. इट बिकम्स नेसेसरी because the change in the value of asset and liabilities belongs to the period prior to the change in the profit sharing ratio and hence must be shared by the partners in their old ratio. क्या कहा जा रहा है कि necessary हो जाता है ऐसे जब ऐसे cases होते हैं जब existing partners के बीच में profit sharing ratio होता है और जो values हमारी asset and liabilities यानी कि balance sheet में जो values show कर रही हैं वो डिफरेंट हो सकती है एक्चुअल वैल्यू से. तो ऐसे केस में बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम क्या करें, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पीरियड स्टार्ट होने से पहले हम पुराने रेशियो में, जब हम पुराने रेशियो में फॉर एग्जांपल ये जो 2:1:3 का रेशियो था, जब हम इस पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तो हम इस पीरियड के जो वैल्यूज़ हैं उनको पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें. क्योंकि वो जो प्रॉफिट्स हैं, वो जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी ओल्ड पीरियड से बिलोंग करती है रादर देन न्यू पीरियड से. तो जो भी न्यू बैलेंस शीट होगी फर्स्ट अप्रैल 2021 से, जैसा कि इस क्वेश्चन में एग्जांपल्स आपको समझा रही हूँ कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1:1:1 करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो है में हम ओल्ड वैल्यूज़ को पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. It is also possible with the passage of time the value may be appreciated or decreased. कभी कभी क्या होता है कि हमारी values जो asset या liabilities की होती हैं वो increase भी कर जाती हैं, decrease भी हो जाती है. जैसे कि मान लो किसी debtors ने payment कर दिया तो value decrease हो जाएगी हमारी, हमने creditors को payment कर दी तो हमारी value decrease हो जाएगी. अगर मान लो land की cost बढ़ गई हमारी तो value appreciate हो जाएगी. तो ऐसे केसेस में इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं जहाँ पे अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अब बात आती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कब कब है. हम 3 केसेस में मेनली बनाते हैं रिवैल्यूएशन का अकाउंट, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, सेकेंड जब हम कोई एक न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं अपने बिजनेस में, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, जब कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा हो या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, हम इन केसेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का अदर नेम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट का जो नेचर है वो है नॉमिनल अकाउंट का नेचर। ये जो अकाउंट में हम एंट्रीज करेंगे, जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है, ये फॉलो करता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे 3 बेसिक गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के, जिस बेसिस में हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं, हमारी पूरी अकाउंटिंग होती है। तो नॉमिनल अकाउंट के केस में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उनको हम डेबिट कर देंगे, जितने भी हमें प्रॉफिट्स और गेन्स होंगे उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। सेकेंड है, इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। अगर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आता है तो क्या होगा? उस तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे। अगर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसमें प्रॉफिट आता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। ये था इसका बेसिक मीनिंग कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और हम क्यों मेंटेन करते हैं जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। अब आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि ये क्या बेसिक रूल था, मतलब बेसिक इसका कंसेप्ट क्या है इस टॉपिक का। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी जर्नल एंट्रीज और उसके फॉर्मेट को आज पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज देखेंगे हम कि जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम क्या क्या जर्नल एंट्रीज को पास करना पड़ता है। सबसे पहले है हमारा फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जब भी हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन से गोल्डन रूल को फॉलो करता है? करता है नॉमिनल अकाउंट के। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे देखो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज इन द वैल्यू मतलब हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और एसेट्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट। थर्ड है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। जब हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो जो हमारी एंट्री होगी वो होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फोर्थ है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू। जब भी वैल्यू लाइबिलिटी की इंक्रीज करेगी तो एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी? लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो देखो जब हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमारी एंट्री क्या हो रही है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और जब हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारी एंट्री क्या हो रही है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक है, आप याद कर सकते हो अगर आपको याद हो जाए ऐसे तो। अगर एसेट हमारा डिक्रीज कर रहा है, लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रही है, तो एंट्री ऑलमोस्ट सेम है, क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर एसेट है तो एसेट अकाउंट आ जाएगा और अगर लाइबिलिटीज है तो टू लाइबिलिटीज आ जाएगा। वही अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जैसे यहाँ देखो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो एंट्री क्या हो रही है? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? जस्ट ऑपोजिट, एसेट है तो एसेट आ जाएगा, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये एक छोटा तरीका है आपको याद करने का, कि क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो याद करने में प्रॉब्लम होती है, पर प्लीज़ फोकस ऑन द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट भूल जाओगे तो अगर क्वेश्चन में ज़रा सा भी ट्रिक घुमा फिर आके पूछा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ये तो बस मैंने एक हेल्प के तौर पर आपको बता दी कि कुछ भी ना समझ आए तो मे बी शॉर्ट ट्रिक आपकी हेल्प आ जाए। वो कभी कभी एग्जाम टाइम में काफ़ी प्रेशर होता है तो हम सिंपल चीज़ें भी भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि ये क्या थी हमारी जर्नल एंट्रीज। लास्ट की दो एंट्रीज हैं, जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में
शो होगा प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट शो हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर हमें लॉस शो हो रहा है, अगर हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अभी क्योंकि ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों जा रहा है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. आप इन जनरल एंट्रीज को नोट कर लो, सिर्फ यही 6 जनरल एंट्रीज हैं, उससे ज़्यादा नहीं है. आप इसको नोट कर लो, फिर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मत भूलेगा, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए कि इसका अदर नेम क्या है. कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर हमने इतना ज़्यादा रिवैल्यूएशन अकाउंट सुन लेते हैं कि हमने रिवाइज नहीं किया होता, हम भूल जाते हैं कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर. तो याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को का अदर नेम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. आप इन जनरल एंट्रीज के 6 जनरल एंट्रीज हैं, इनको नोट कर लीजिए. तो अभी मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आपको दिखाऊंगी उसका प्रोफॉर्मा, तो आपको और ये जनरल एंट्रीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम जनरल एंट्रीज पास कर रहे थे, क्या हम और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप पहले इसको नोट कर लो. अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफॉर्मा ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. देखिए सबसे पहले हम डेबिट साइड देखते हैं. डेबिट साइड में दिया हुआ है टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. क्या दिया हुआ है, डिक्रीज इन द वैल्यू. मान लो एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो कहाँ पे हमारा शो करेगा, डेबिट साइड में. अगर हमारी इंक्रीज कर रही है लाइबिलिटीज की वैल्यू, लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. और थर्ड है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. अभी मैंने आपको समझाया कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है वो नॉमिनल है, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम से लिए. तो यहाँ पे क्या है कि अगर वैल्यू डिक्रीज कर रही है एसेट्स की, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो ये फर्म के लिए अच्छी बात नहीं है. तो इसे यहाँ अच्छी बात इन सेंस की लॉस, एक तरीके से मतलब कोई एक्सपेंस हो गया हमारा, तो एक्सपेंस है तो हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर हमारे लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज मेरी पहले 1 लाख थी अब 2 लाख हो गई, तो इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेटेड हो गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी है, तो एक तरीके से ये मेरे फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया. थर्ड, अगर कोई लाइबिलिटी मेरे से ओमिटेड रह गई, मतलब ओमिशन हो गया, कोई लाइबिलिटी सीखना भूल गया पार्टनर्स, या फिर कोई नई लाइबिलिटीज हम इंकर्ड हो गई, तो अब उसको भी रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, हम डेबिट साइड में करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरीके का हमारा एक्सपेंस हो चुका है. थर्ड, अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में. क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज हो रही है हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू, और थर्ड है बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स. अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मान लो मेरी जो बिल्डिंग थी उसकी पहले जो वैल्यू थी वो थी 50 लाख, अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 70 लाख, तो एक तरीके से मेरे बिजनेस फर्म के लिए क्या है, गेन है. तो ये कहाँ पे शो होगा, हमारा क्रेडिट साइड में. अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, मान लो मुझे पहले 5 लाख की पेमेंट करनी थी लाइबिलिटीज थी, अब मेरी लाइबिलिटीज हो गई है 3 लाख, तो ये तो अच्छी बात है हमारे फर्म के लिए, तो कहाँ पे आएगी, इसे लाइक वो गेन, तो कहाँ पे आएगा, हमारा क्रेडिट साइड में आएगा. अगर कोई एसेट है, मान लो 50,000 का फर्नीचर था जो पहले मैंने लिखना ओमिशन रह गया हो, या मैंने अभी 50,000 का फर्नीचर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर लेकर आया, पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, तो क्या होगा, ये कहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा. अब बात आती है, यहाँ पे मैंने कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन नहीं किया. अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाने जा रही हूँ. चल रहे हैं हम यहाँ पे, मान लो यहाँ का टोटल जो आया, जब मैंने इन तीनों वैल्यूज का टोटल किया, तो इसका टोटल आ रहा है 70,000, ठीक है, और वही मैंने इसका टोटल किया तो कितना आ रहा है, 20,000. मतलब कि क्रेडिट साइड में हमारे इनकम से गेंस दिखाए जा रहे हैं, और डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देख के समझूंगी क्यों यहाँ पे प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड में, समझने की कोशिश करो. एक्सपेंसेस कितने हमारे 20,000, और गेन कितना हो रहा है 70,000. तो अगर 70,000 रुपीस मेरे पास हैं और 20,000 मैंने एक्सपेंस हो गए, तो 50,000 किसके पास आएंगे, पार्टनर्स के पास, मेरे पास खुद रहेंगे वो. अगर मेरे पास 70,000 फॉर एग्जाम्पल, उसमें से मैंने 20,000 की शॉपिंग करी, तो मेरे पास अभी कितने पैसे बचे, 50,000 बचे. उस प्रॉफिट है वो जो भी पैसा है उसके राइट मेरे पास है, मेरे पास रहेंगे, वो मेरे प्रॉफिट हो गए एक तरीके से, इस मंथ की सेविंग हो गई. तो ठीक उसी तरीके से क्या है,
कि तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा डेबिट साइड में अमाउंट कम आ रहा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा है। हम बैलेंस करने के लिए क्या होगा, हमारे डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। टू प्रॉफिट करके कितना आ जाएगा यहाँ पे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितने पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स है तो ए और बी दो पार्टनर्स की जो वैल्यू होगी फिर यहाँ पे उनकी वैल्यू, ये टोटल हमारा बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर यही में हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो एग्जाम्पल टू है हमारा कि यहाँ का टोटल आया हमारा 70,000। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोटल फिर कितना आया, 70,000 आया, पर जो यहाँ का टोटल है वो कितना आया, 1,00,000। मतलब हमारा डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो एक्सीड कर गया हमारे क्रेडिट साइड के अमाउंट से। क्रेडिट साइड का जो टोटल है हमारा वो कितना है, वो है 70,000, और डेबिट साइड का हमारा 1,00,000। मतलब मेरे एक्सपेंसेस हो गए 1,00,000 के, और जो मेरे गेंस थे वो 70,000 थे। इसका मतलब 30,000 मैंने खुद की पॉकेट से पे किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बिजनेस को लॉस हो गया। इसका मतलब कि पार्टनर्स आपस में वो लॉस को बियर करेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए और बी दो पार्टनर्स थे हमारे, हम दोनों के बीच में अमाउंट शेयर हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट ये हमारा बैलेंसिंग होगा। आई बिलीव कि आप लोगों को ये टॉपिक, ये प्रोफॉर्मा समझ में आया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों मेंटेन करते हैं, इसका रीजन मैंने आपको भी समझाया। हमने इसकी जनरल एंट्रीज पढ़ी, अब हमने पढ़ा इसका प्रोफॉर्मा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आएंगी बात इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस की, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने बस आपको एक क्लैरिटी दी, कंसेप्ट क्लियर किया कि कंसेप्ट है क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट का। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और वहीं पर हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो भी ये जो चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में 101% मिलने वाला है। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, ये फेवरेट चैप्टर है एग्जामिनर का, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें। और जो भी नया चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, मैं पहले से बता रही हूँ कि प्लीज़ गाइज जितनी मैंने ओल्ड वीडियोज़ पार्टनरशिप से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट पर जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन सब का यूज़ यहाँ पर होने वाला है। कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, इन सब का कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था आपको कैसे मेंटेन करते हैं, यहाँ पे भी मरेंगे बैलेंस शीट मेंटेन करना, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। बट प्लीज़ मेक श्योर जो इससे पहले की वीडियोज़ हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लें कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, गुडविल के मेथड्स कैसे हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, और कब कब कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब का यूज़ यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर में होने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन वीडियोस को देख लीजिए, एंड यस प्रेस द बेल बटन, क्योंकि कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की, इसके एक इलस्ट्रेशन समझाऊंगी पहले, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि वो आपसे वीडियो मिस ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और जो आने वाला है ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको दिला सकते हैं बहुत इजी वे में, अगर आप सिंपली डेली स्टडी करते हो, डेली 1-2 घंटा अकाउंट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बिलीव मी आप बहुत अच्छे से मार्क्स अच्छे से कवर कर सकते हो। ये टॉपिक को, इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को रटिए मत, चीज़ों को क्योंकि अकाउंट्स में रट के भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कंसेप्ट क्लियर करते चलो। कोई भी क्वेरी आ रही है आपको, आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। सॉरी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज, और फेसबुक पे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे से कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम्स ना। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ये क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज बनाती रहूँ। आई रियली विश कि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, and please share with your near and dear ones. Thank you and have a nice day.